नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के शिशु विषय। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उठापटक चल रही है उसके कानूनी पहलू इस समय बहुत सारे सामने आए। मैं भी कई चैनलों पर था और बहुत सारी डिबेटें मैंने सुनी। मैं कुछ कंक्लूजन्स तो नहीं दे सकता, लेकिन हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। जैसे दो तीन प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आज के फंसे। पहला ये कि डिप्टी स्पीकर जब खुद बायस है या डिप्टी स्पीकर पर अविश्वास है, तो फिर डिप्टी स्पीकर पर अविश्वास होते हुए डिप्टी स्पीकर के नेतृत्व में किस प्रकार से वहाँ फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा। गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट, दूसरा क्वेश्चन था, गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को लिस्ट पेंडेंस लेते हुए क्यों कर दिया। तीसरा था कि देवेंद्र फडणवीस से जब उनको मिले तो देवेंद्र फडणवीस से मिलने के तुरंत बाद ही गवर्नर ने ऐसा आदेश क्यों कर दिया। चौथी बात यह आ रही थी कि जब एंटी डिफेक्शन का डिसीजन नहीं आया तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉज जो 16 विधायकों के खिलाफ लागू होना था उसके डिसीजन आए बगैर कैसे इस पर फ्लो टेस्ट हो गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा कि फ्लोर टेस्ट अगर आप करवा देते हैं और ये फ्लोर टेस्ट होने के बाद जो 16 विधायक हैं वो 16 विधायक एंटी डिफेक्शन में फंस जाते हैं या फिर डिप्टी स्पीकर का अविश्वास हो जाता है, तो फिर कितना सही होगा ये फ्लोर टेस्ट। या उनका कहना था, ये बहुत सारे शिवसेना के जो तमाम ग्रुप हैं, मैं शिंदे ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ जो शिवसेना में भी अल्पमत में हैं, वो लगातार संजय राउत सहित कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं गवर्नर हाउस से। भाई संविधान की धज्जियां नहीं, आप इस प्रकार की चर्चा करने से पहले मुझे लगता है उनको कहना चाहिए गवर्नर ने डिसीजन ले लिया, अब हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं और गवर्नर के डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं। भाई गवर्नर का डिसीजन अगर गलत होगा तो कोर्ट उसको अपास्त कर देगा, और गवर्नर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल को ध्यान में रखते हुए कर रहा होगा तो नहीं करेगा। दूसरी बात ये भी है कि गवर्नर लंबे समय से हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद गवर्नर ने एक दिन का समय लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि गवर्नर का जो डिसीजन होता है उसमें ये कहा गया है आफ्टर कंसल्टेशन ऑफिशियल सबॉर्डिनेट टू हिम, वो अपने मातहत अधिकारियों से कंसल्टेशन करने के बाद ही डिसीजन लेता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसके मातहत अधिकारी ही माने जाते हैं। अब एक प्रश्न एनोमली और क्रिएट कर दी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बगैर गवर्नर कैसे डिसीजन ले सकते हैं। और जब 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 फडणवीस जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है नहीं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते, अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन पर डिसीजन गवर्नर कैसे ले सकते हैं। सीधी सी बात है कि आर्टिकल 174 आर्टिकल 175 में इस तरह की व्यवस्था की गई और ये कहा गया है कि गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के लिए गवर्नर बाध्य है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें ये भी व्यवस्था दी गई है कि अगर इन केस अगर ऐसा कोई मामला फंसता है जिसमें कि सरकार का बहुमत ही प्रश्न चिन्ह हो, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके लिए उत्तरदायी है उसका बनना ही, उसका अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह हो, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए गवर्नर बाध्य नहीं है। गवर्नर स्पेशल सेशन बुलाकर इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। जहां तक डिप्टी स्पीकर की बात रही तो डिप्टी स्पीकर के रहते हुए भी अगर सुप्रीम कोर्ट या गवर्नर अलग से एक प्रोटम स्पीकर अपॉइंट कर देता है ये कहते हुए कि अगर डिप्टी स्पीकर ये इस मामले में बायस हो सकता है या डिप्टी स्पीकर ही संदिग्ध है या उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, तो फिर प्रोटम स्पीकर का अपॉइंटमेंट कर सकता है। और अनबिल सुप्रीम कोर्ट प्रोटम स्पीकर का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी एक मामले में येदुरप्पा के केस में कर्नाटक में कर चुका है, यानी कि डिप्टी जहां पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर विवादित हों वहां पर प्रोटम स्पीकर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि एंटी डिफेक्शन लॉज और फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी शिवराज सिंह चौहान जी के केस में ये कह चुका है कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये डिफंक्टेड हैं तो हम बाद में बदल लेंगे, ऐसा
अरुणाचल के केस में नवाब तुकी सरकार को रीस्टैब्लिश करके और अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया भी था, और यहाँ तक कि जो 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 नवाब तुकी की सरकार बनी थी तो फिर कलिकोपुल जो कि चीफ मिनिस्टर हो चुके थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, फ्लोर टेस्ट प्रूफ कर चुके थे और सरकार चला रहे थे, गवर्नर का डिसीजन गलत साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये कहा था गवर्नर ने डिसीजन ही गलत लिया है, इसलिए गवर्नर के डिसीजन के आधार पर जो नई सरकार बनी है वो पूरी प्रोसेस ही गलत थी, और चूंकि पूरी प्रोसेस गलत थी इसलिए नवाब तुकी की सरकार को रीस्टैब्लिश किया जाता। मेरे को जहां तक याद है वो 10-11 महीने सरकार चला लिए थे, रीस्टैब्लिश किया जाता है और अब नवाब तुकी सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। नवाब तुकी की सरकार बना दी, कलिकोपुल की सरकार गिरा दी। उसका कलिकोपुल मतलब ये तो दुर्भाग्य की बात थी कि मुझे लगता है कि जुलाई 21 या 22 या 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और वो 9 या 10 मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 9 अगस्त को उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ये कहते हुए एक चिट्ठी लिखी थी आत्महत्या की, आत्महत्या का वो पूरा का पूरा पत्र लिखा था और बहुत सारे लोगों पर एलिगेशन लगाया था जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में बाद में गया। कुल मिलाकर यहाँ तक लोगों ने आत्महत्याएँ कर ली तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल इज रूल, अगर रूल का गलत इस्तेमाल किया गया है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, प्रोसीजर गलत यूज़ किया गया है तो इस ऐसे मामलों में भी हम पूरे के पूरे भले ही आपकी बहुमत हो हम पूरे सिस्टम को पलट सकते हैं। इसलिए अब अगर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉस की बात करते हैं वहाँ पर सरकार बन गई और वहाँ पर फ्लोर टेस्ट हो गया, एंटी डिफेक्शन उसके बाद लागू होता है, एंटी डिफेक्शन के मामले में डिप्टी स्पीकर डिसीजन लेगा, वो 16 विधायक फिर उस पर अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अपीलेबल है कि क्योंकि हो तो होल होन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर का डिसीजन आर्टिकल 212 में तो लिखा है कि फाइनल है, लेकिन गवर्नर अगर बायस हो जाता है, वो गवर्नर कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर या स्पीकर बायस हो जाता है और जनरली हो ही जाता है क्योंकि वो जिस पार्टी से आता है उसका प्रतिनिधित्व करने लगता है, तो अगर वो बायस हो जाता है तो फिर उसकी अपील सुनने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं, इसलिए हम उसकी अपील सुन सकते हैं। और ये बड़ा डिसीजन आया था, यानी कि गवर्नर का डिसीजन, यानी कि जो स्पीकर का या चेयरमैन का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन नहीं है, वो अपीलेबल है। तो अगर एंटी डिफेक्शन के मामले में कुछ डिसीजन आता है तो फिर वो 16 सुप्रीम कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एंटी डिफेक्शन पर कानून पर पूरा विधि अपनाई जाएगी। अब ये जो प्रोसीजर है इस प्रोसीजर में महीनों का हिसाब लग सकता है, तो क्या महीनों तक सरकार वेंटिलेटर पर चल सकती है? जिसके पास बहुमत ना हो वो सरकार क्या बनी रहने की अनुमति दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में ये पहले ही कह चुका है कि हम 24 घंटे का समय देते हैं, अगर आपके पास नंबर हैं तो जाइए फ्लोर पर सिद्ध करिए, कहीं 48 घंटे का समय दिया, और कभी अगर गवर्नर ने समय 15 दिन का दे भी दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 48 दिन में करिए जाके, क्यों? क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, और अगर आपके पास बहुमत है तो कभी भी बहुमत है, हम आपको केवल इतना समय दे सकते हैं कि आपके विधायक असेंबली तक पहुँच जाएँ, बड़ा प्रदेश है तो 48 घंटे, छोटा प्रदेश है तो 24 घंटे में आप पहुंच ही सकते हैं असेंबली तक, और 24 घंटे में असेंबली में पहुंचकर आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। दूसरी एक और बात आती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें समय देता है, लंबा समय देता है, या फिर मैं ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पहले एंटी डिफेक्शन डिसाइड हो जाना चाहिए उसके बाद फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, तो एंटी डिफेक्शन के 16 का तय होगा, तब तक डिप्टी स्पीकर बाकी के, चूंकि उनके 39 विधायकों की बात है, 10 और इंडिपेंडेंट, चलिए इंडिपेंडेंट के 10 निकाल दीजिए तो बाकी जो 40 में से 16 और घटा दीजिए तो बाकी के जो 24 विधायक हैं उनके खिलाफ फिर से एंटी डिफेक्शन आ जाएगा, तो इन 24 के खिलाफ एंटी डिफेक्शन आएगा तो फिर वो डिसाइड होगा, फिर उसका नोटिस होगा, 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर वो अपना रिप्लाई देंगे, तो ऐसे करके 3-4 चरणों में अगर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर ने अलग अलग नंबर के लोगों का एंटी डिफेक्शन का डिसीजन दिया, वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो इसमें तो सालों तक सरकार बचाई जा सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बातें की गई हैं उनका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। कानून को जिस समय हम अप्लाई करते हैं, जब नई एनोमली को डिसाइड करते हैं, तो दो चीज़ें जरूर देखते हैं, न्याय क्या और इस अन्याय के आधार पर बाकी के ऊपर अन्याय क्या। अन्याय से मतलब कि इसमें जो हम न्याय कर रहे हैं क्या इसका प्रभाव किसी दूसरे दूरगामी प्रभाव हो सकता है,
अगर इसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है तो फिर ऐसा न्याय भी हम बीच का रास्ता निकाल कर करते हैं, उस न्याय को भी हम सही से नहीं करते, उसका बचाव करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एंटी डिफेक्शन के मामले में पहले 16 कवर किए, फिर 16 कवर कर लेंगे, फिर 8 कवर कर लेंगे, तो ऐसे करके 3-4 चरणों में कर लेंगे तो 6 महीने खिंच जाएंगे। तो अगर एंटी डिफेक्शन के डिसीजन के बाद ही फ्लोट टेस्ट हो सकता है ऐसा डिसाइड कर देगा सुप्रीम कोर्ट, तो फिर फ्लोट टेस्ट फिर अगले 6 महीने तक टला ही रहेगा और तब तक हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, पैसे से खरीद फरोख्त हो जाएगी, गुंडागर्दी हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी। शिवसेना ऑलरेडी बहुत सारे स्टेटमेंट जो 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 शिवसेना माइनॉरिटी बची है वो बहुत सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप उतर कर देखो, एयरपोर्ट से निकलोगे तो क्या होगा, आप विधानसभा तक पहुंचोगे तो क्या होगा, आप वहां से निकलोगे तो क्या, ऐसे बहुत सारी बातें। और कुछ ने तो यहां तक कह दिया है कि उनकी डेड बॉडी तो मर गए हैं, मृतक हैं, उनकी डेड बॉडियां यहां पर आएंगी। तो इस तरह के जहां स्टेटमेंट दिए जा रहे हों वहां मजबूरी कोर्ट की ये बनती है कि कोर्ट उसमें ये कहेगा कि इनको भाई प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन राज्य में सरकार चूँकि वेंटिलेटर पर रखी हो तो प्रोटेक्शन कौन देगा। इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार ने प्रोटेक्शन दिया, सीआरपीएफ लगा दी, उस पर भी समस्या आती है। तो ये जो 2-3 बड़ी एनोमली क्रिएट हो गई हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट किस नज़र से क्या करता है वो बस हाल ही में आने वाला है, मुझे लगता है कि 1-2 मिनट में आ ही जाएगा। इस बात को कह ही रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ भी गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है फ्लो टेस्ट को नहीं रोका जा सकता, फ्लो टेस्ट होना चाहिए। यानी कि उद्धव सरकार, मैंने जैसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रेसिडेंट के आधार पर चलता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को इस समय रिपीट कर रहा है जो कि अगले चीफ जस्टिस का ऑर्डर, अगले चीफ जस्टिस का ऑर्डर मतलब कि जो शिवराज सिंह जी की सरकार का ऑर्डर था 2020 का, वो ऑर्डर उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया था और चंद्रचूड़ अगले चीफ जस्टिस हैं। तो अब जो जजेस हैं वो अगले चीफ जस्टिस के नेतृत्व में काम करने वाले हैं, और अगले चीफ जस्टिस का 2 साल पुराना ऑर्डर है और वो ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। उद्धव सरकार अब लगभग गई मालूम पड़ती है, और जैसा कि मैंने कहा है 1994 से लेकर अब तक फ्लोर टेस्ट के मामले में हमेशा सुप्रीम कोर्ट पॉजिटिव रहा है, इस बार भी पॉजिटिव है। कौन जीता कौन हारा ये तो कल फ्लोर टेस्ट के बाद ही तय होगा, लेकिन अभी जो एनामली में सुबह से कई चैनलों पर बोल चुका हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट से पीछे नहीं हटता, क्योंकि सरकार का नेतृत्व तो फ्लोर टेस्ट, सरकार है कि नहीं है ये तो फ्लोर टेस्ट ही तय करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।